भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अनुष्ठान है। बैठक में इसलिए नहीं बोल रहा, बैठक में 10-20-50 लोग होते हैं, 100-200 लोग होते हैं। सम्मेलन में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जो सेमिनार है इसका प्रयोग थोड़ा प्रोफेशनल या जो सोशल अथवा पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये एक अनुष्ठान है इस बात के लिए कि आज से लगभग 25 साल पहले जो हमने यात्रा शुरू की थी वो यात्रा आज एक बहुत बड़े पायदान पर आरोहण कर चुकी है। और आने वाले 5 वर्षों का हमारा एक बहुत बड़ा सपना है और आने वाले 50 सालों की एक बहुत बड़ी योजना है। और वो योजना ये है कि पूरे विश्व में, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, योग विल बी ए न्यू सिविलाइजेशन, वर्ल्ड सिविलाइजेशन। योग एक विश्व संस्कृति बनेगा, आयुर्वेद एक विश्व संस्कृति बनेगा और भारत के पीछे दुनिया खड़ी होगी। तो आप जो कुछ कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग ए बिजनेस। बिजनेस तो एक बहुत छोटी चीज होती है। बिजनेस ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन। और ये कैसा बिजनेस है? प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ परमार्थ के लिए है। ये व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपकार के लिए है। ये कमाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए है। एक टोटल थॉट प्रोसेस अलग है। ये अलग बात है कि हमने आज तक जो कुछ जिंदगी में किया वो जमाने की धारा से हट करके किया। पहले लोग कहते थे योग केवल योगी करेंगे, कंदराओं, गुफाओं और अट्टालिकाओं से बाहर निकाल करके हमने योग को लोगों के बीच एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया। ये है पतंजलि की ताकत, ये है पतंजलि का कार्य। और एक क्षेत्र में नहीं, पहले लोग कहते थे केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ेगा और स्त्रियां तो वेद पढ़ ही नहीं सकती। पतंजलि योगपीठ वो संस्थान है जिसने पहली बार वेद की विदुषियां बेटियों को बड़े रूप में तैयार किया है। आज सैकड़ों बेटियां वेद पढ़ती हैं, यहां वेद मंत्रों का उच्चारण मात्र नहीं करती हैं, वो चारों वेदों को जानती हैं। नहीं तो कहते थे स्त्री तो वेद पढ़ ही नहीं सकती, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता। हमारे यहां ब्राह्मण तो वेद पढ़ता ही पढ़ता है। हमने कहा जो भी वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। हमने ब्राह्मणेतर क्षत्रियों को, वैश्यों को, और जो शूद्र समाज जिसको कहा जाता है, दलित जिसको कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है, हमने कहा कि कोई भी भारतवासी वेद पढ़ सकता है। अरे इसमें क्या है, कोई वेद पढ़ने के लिए एक कुल खानदान में जन्म लेने की जरूरत नहीं। इसी तरह से बोले तो है, जो साधु होता है वो तो भिखमंगा ही होता है। हमें नाम दिया गया भिक्षुक, अब भी हम इंटरनेशनल भिखारी हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमने कहा साधु भिक्षुक तो है, वो भिक्षावृत्ति, ये भीख मांगना नहीं है। वो साधु भीख मांगता है लोगों के दुर्गुणों की, उनके दुखों की, उनको अपने झोले में डाल लेता है
और जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वहां वहां सुख स्वास्थ्य समृद्धि और शांति बढ़ती है, ऐसा होता है साधु। और हमने अपने लिए कुछ ना चाह करके, अभी तक तो हमारे ऊपर 1000 से ज्यादा इंक्वायरियां हो चुकी हैं। जब मैंने कहा कि मैंने कभी बैंक अकाउंट खोला ही नहीं तो लाख जांच कर ली देश में और विदेश में भी। अरे बोले ये कैसा बाबा जिसका कोई अकाउंट ही नहीं, कहते हैं इसका तो हजारों करोड़ का साम्राज्य है। ये बाबा का हजारों करोड़ का साम्राज्य नहीं, पतंजलि का एक एक पैसा एक एक पाई हिंदुस्तान की भलाई के लिए है। और इस काम को हमने जमीन पर करके दिखाया। पहले ट्रस्टीशिप की बातें होती थी, हमने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को जमीन पर उतारा। स्वदेशी थॉट प्रोसेस में था लेकिन स्वदेशी को जमीन पर उतारने का काम पतंजलि ने किया। स्वदेशी का सपना था महात्मा गांधी का, 1905-6 में विदेशी कंपनियों के सामानों की होलियां जलाई गई। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये भजन है, कोई स्वामी रामदेव का बनाया हुआ नहीं है ये भजन। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी। और माने ये जो पूरा स्वदेशी का एक आंदोलन खड़ा हुआ, अब पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं जिनको MNC कहते हैं, पूरी दुनिया में उनकी मीटिंग होती है। अभी पिछले 3-4 महीने पहले इनकी सिंगापुर में मीटिंग हुई। बोले भाई ये जो पेट्रियोटिज्म का भाव जग रहा है उसके पीछे जो स्वदेशी का भाव जग रहा है इसको कैसे खत्म किया जाए। और ये बोले सबसे ज्यादा भाव स्वदेशी का और पेट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का भाव जग रहा है हिंदुस्तान में। और बोले हिंदुस्तान में इस भाव को पैदा कर रहा है एक सन्यासी, उससे कैसे टक्कर ली जाए, इसको सारी MNC एक साथ खड़ी होकर के सोच रहे हैं, तब भी पतंजलि का मुकाबला नहीं कर पा रही है। और ये मैं कोई अपनी बड़ाई के लिए बात नहीं कह रहा हूं, आज हम जहां खड़े हैं इससे आगे बहुत बड़ा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य अपने लिए कुछ पाने का नहीं है। भाई हम लोग तो आज भी यही दो कपड़े पहनते हैं, आज से 25 साल पहले से जो मुझे जानते हैं पहले भी यही दो कपड़े थे। ना कोई अंगूठी का शौक है, ना कोई घड़ी का शौक है, ये टाइटन की घड़ी है, ये तो समय देखने के लिए रखी हुई है, खो जाए तो गम नहीं और समय देखने में कम नहीं। घड़ी का काम है समय बताना। लोग ना इसी में लाखों लाखों रुपए की घड़ी, ना विदेशी घड़ी, ना विदेशी गाड़ी, ना विदेशी पेन, ना विदेशी झोला, ना विदेशी कुछ भी नहीं, संपूर्ण स्वदेशी के दर्शन के साथ मैं जीता हूँ और करोड़ों लोगों को वैसे जीने की हमने प्रेरणा दी है, इंस्पिरेशन दिया, उनको इंस्पायर किया और लोग जी रहे हैं। अब ये थोड़ा मुश्किल होता है प्रारंभ में, लेकिन बाद में स्वदेशी आपका स्वभाव बन जाता है। हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, गो सेवा को, राष्ट्र सेवा को स्वभाव बनाया है। और हमने गोव्रति की, गाय का ही दूध, गाय का ही घी, गाय के ही दही दूध घी का प्रयोग करना है, भैंस का नहीं। गोव्रति स्वदेशी वस्तु का ही प्रयोग करना है। कोई अपरिहार्य परिस्थिति में जो वस्तु अपने देश में ना मिलती हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो विदेश से ले लो। लेकिन जीरो टेक्नोलॉजी, ये साबुन, ये शैम्पू, ये टूथपेस्ट, ये क्रीम, ये पाउडर, ये जूते, चप्पल, टी शर्ट और सारी यहीं बन रही है, कोई विदेश से नहीं आ रही है, खाली ठप्पा लगा हुआ है और सारा प्रॉफिट लाखों करोड़ का बाहर जा रहा है। करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेश कंपनियों का कब्जा था। हमने कहा इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है। और अभी तो हमने FMCG में कदम रखा था और अगले साल अब पतंजलि का परिधान भी आ रहा है। पतंजलि के सारे टेक्सटाइल का भी, चाहे वो अंडर गारमेंट्स हैं, चाहे साड़ी हैं, चाहे वो जो है जीन्स हैं, चाहे सूट शर्ट हैं, चाहे कुर्ता पजामा है, लंगोटी धोती सब आएगी तुम्हारी। और ये भी करीब 1500 SKUs होंगे, 1500 प्रकार के इसमें प्रोडक्ट होंगे और एक्सक्लूसिव पतंजलि के स्टोर्स भी होंगे और उसको रिटेल मार्केट में भी उसको देंगे। और ये भी अब हर क्षेत्र में, चाहे वो फूड है, चाहे नेचुरल कॉस्मेटिक है, नेचुरल मेडिसिन है, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो मैंने कहा परिधान टेक्सटाइल है, ये तो अभी मैंने कुछ क्षेत्र बताए हैं।
अभी तो लोग कहते हैं बाबा जी आपने ही बताया था कि करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर तो अकेला चीन का कब्जा, वो हमसे पैसा लेता है, पाकिस्तान को फंडिंग करता है, वहाँ आतंकवादी तैयार करता है, हमारे देश में बम पटाखे फोड़ते हैं। चीन को दिया हुआ पैसा तो बहुत बड़ी गद्दारी है, इसलिए चीन की वस्तुओं का सामान तो किसी भी देशभक्त भारतीय को प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को इस बात का पता ही नहीं था। अरे हमने कहा ये चक्कर कैसे चल रहा है पूरी दुनिया का, हमारा रुपए कमजोर पड़ रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, क्यों? क्योंकि सारी पूंजी विकासशील देशों की और गरीब देशों की सब जा रही है उधर, समृद्ध देशों की और ताकतवर मुल्कों की, और वो ताकतवर अपने बल पर थोड़ी है। भाई यूरोप ने क्या ऐसा किया था, ब्रिटेन ने क्या ऐसा किया था कि भाई वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, ग्रेट ब्रिटेन हो गया लूट खसोट करके और दूसरे देशों में जाहिल पना करके, और वो सब खड़ा हुआ। और एक बात तो मैं सबको कहता हूँ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक छोटी सी बात पूरे देश को समझ में आती है। भाई हमने प्रथम स्वातंत्र संग्राम 1857 की आजादी की पहली लड़ाई कोई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी शासकों के ब्रिटेन सरकार के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ नहीं लड़ी थी। 1857 की क्रांति केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। एक कंपनी के कारण से देश में करीब 7 लाख लोगों की शहादत हुई और लाखों करोड़ रुपए की लूट हुई। जिस देश में सोने चांदी हीरे मोतियों से घर भरे हुए थे वो देश दरिद्र हो गया, हजारों सोने चांदी से भरे हुए जहाज यहाँ से लाद करके लेकर गई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके दस्तावेज हैं, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, बस इतनी बात कह रहा हूँ। इस देश में स्वदेशी की बात हो रही थी 200 साल से। मैं पतंजलि कोई ईंट दीवारों का नाम नहीं है, पतंजलि को आप सब रिप्रेजेंट करते हो, आप सबकी ताकत के बल पर पतंजलि ने उस स्वदेशी के दर्शन को जमीन पर ही नहीं उतारा, आज एक विदेशी कंपनी छोड़कर के बाकी सबको पतंजलि ने पछाड़ा है और उसका भी जल्दी मोक्ष होने वाला है। ये इतना बड़ा कार्य हुआ है। 5 जनवरी 1995 को पहला ट्रस्ट बना और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ता गया। पिछले 5 वर्षों में पतंजलि ने ओपन मार्केट में प्रवेश किया, उससे पहले हमारे कुछ सेंटर्स हुआ करते थे, 2-4 सेंटरों से हमने यात्रा शुरू की थी, आज करीब 5,000 एक्सक्लूसिव सेंटर्स हैं और आगे 2 सालों में हमारा लक्ष्य है लगभग 10,000 पतंजलि के एक्सक्लूसिव सेंटर्स होंगे हर तहसील लेवल पर, और फिर हम 10-10 हज़ार के जो बड़े गांव हैं उनको भी टारगेट करेंगे। ये कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। और माना थोड़ी चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस ना हो तो काम करने का मजा ही क्या है, हर कदम पर चैलेंज है, और हमने हमेशा चैलेंजेस को चुनौतियों को अपनी ताकत के रूप में तब्दील किया है और इस संकल्प के साथ यहाँ तक पहुँचे। आज जो सबसे पहले हमारे 4-5 सेंटर थे दिल्ली, वो हमने अपने गर्ग वालों को दिया था, अभी भी अपने भाई सुशील गर्ग, सुधीर गर्ग, रामनिवास गर्ग जी के बेटे हैं, वो आज भी अपने से जुड़े हैं, अभी भी चला रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम बोले जी, वो बहुत पहला एक सेंटर खोला था हमने दिल्ली में, दूसरा सूरत में, शायद नरेंद्र जी अभी भी बैठे हैं वो चला रहे हैं, फिर उसके बाद हमने शुरू किया था पटना में, भाई अजीत जी उसको अभी भी चला रहे हैं, उनको दे दिया, फिर हमने वो कार्यकर्ता थे हमारे पहले संस्था चलाती थी, बाद में उनको सौंप दिया, फिर रांची में, ये 4 बड़े सेंटर थे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे 4 से फिर 8, 8 से 16, फिर मल्टीप्लाई हुए सेंटर भी, ऐसे नहीं 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और फिर 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600, ऐसे होते होते ये काम आगे बढ़ा। और आज इस सेवा में जो नींव के पत्थर है, आप इस पूरे आंदोलन की फाउंडेशन हैं, पूरे इस अनुष्ठान की, इस पूरे यज्ञ की, इस यज्ञ की आप संविधा हैं, इसलिए मैं आपको व्यक्ति के रूप में नहीं देखता हूँ, मैं आपको पतंजलि की शक्ति के रूप में देखता हूँ, पतंजलि के प्रतिरूप के रूप में देखता हूँ, आप पतंजलि को रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए मैंने प्रभात में कहा था पतंजलि एक ऋषि का नाम है, एक ऋषि का काम है, और आप इसको जमीन पर उतारने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य, एक बहुत बड़ा ध्येय, और इसमें आज हम आगे की तैयारी के लिए बैठे हैं, और जो आगे की तैयारी है वो आंकड़ों में समझ में किसी को नहीं आ रही है। आज मैं आपको ये थोड़ा सा आंकड़ों के हिसाब से, मैंने क्योंकि योग के भी फिलॉसफी को रखा तो पूरे स्ट्रेटेजिक्स के साथ में रखा है, आंकड़ों के साथ,
तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ, एविडेंस के साथ, प्रमाणों के साथ कोई बात अपनी कही तो या तो मॉडर्न जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक एविडेंस थे उनको रखा, या कोई अपनी बात कही तो ऋषियों के रेफरेंस के साथ में कही और उसके साथ अपना एक्सपीरियंस जोड़ा। और अभी भी जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, कोई सपना नहीं है। और हमने सब तरह से इस पूरे अनुष्ठान को, चाहे वो योग का अनुष्ठान है, चाहे आयुर्वेद का है, चाहे पूरा चिकित्सा का अनुसंधान का है, और इस सबको ताकत देने के लिए स्वदेशी का है, इसको मैं आपके सामने कुछ आंकड़ों के रूप में इस बात को रख रहा हूँ। जैसे योग, अब मेरे से कहते हैं जी योग कितने लोग करेंगे, मैंने कहा जो भी धरती पर आदमी पैदा हुआ हुआ योग जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि बिना योग का उसका स्ट्रेस दूर नहीं हो सकता। प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटी लोगों का भरा पड़ा है। अब उस प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटी को डाउन करना है तो उसको अनुलोम विलोम इतना ही करना है, और बड़ा इजी है, और इसको हिंदू मुसलमान कोई भी कर सकता है। और भाई सांस तो सब ऊपर से ही लेते हैं, नीचे से छोड़ तो सकते हैं, ले कोई नहीं सकता, तो इसमें दिक्कत क्या है? योग सबको करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेस हो गया है सबको, सब मोटे हो गए हैं, ओबेसिटी है, गैस है, एसिडिटी है, नींद नहीं आती है, मन खुश नहीं रहता है, थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गया है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। फिर शांति के लिए सबको योग करना है। समृद्धि के बाद फिर भी आदमी शांति जाता है, रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध होने के बाद आदमी फिर शांति की तलाश में निकलता है, नहीं तो दुनिया के ज़्यादातर धनवान लोग सुसाइड करके मरे या हार्ट अटैक होकर के मर रहे हैं, नहीं डिप्रेशन में मर रहे हैं अभी भी। इसलिए इस पर तो आना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। यदि स्ट्रेस से बचना है, ब्लड प्रेशर से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, कैंसर से बचना है, बीपी शुगर से बचना है, अब बीमारियों से बचना है। क्या बीमारियों की तो हालत ही होगी लोगों को, मैंने अब पहले तो मोटापा, गैस, एसिडिटी, बीपी, शुगर, थायराइड, ये थोड़ी बीमारियां हो रही थी, अब तो कोई शायद परिवार होगा जिसमें कैंसर ना हो, या तो क्लोज फैमिली में या फिर आपके थोड़े बड़े परिवार में किसी न किसी को कैंसर मिल जाएगा। पहले गांव में नहीं होता था, आजकल तो गांव में भी घुस गया। हाँ, ये हालत हो गई है, तो अब सबको तो योग करना ही पड़ेगा। तो योग का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। आयुर्वेद सब नेचुरल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। अभी अपन ने ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया, PRI, और ड्रग डिस्कवरी का काम, माने सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा एक साइंटिफिक साइकिल है ड्रग डिस्कवरी का, उसको पूरा कर रहे हैं। अभी 1-2 सालों में आयुर्वेद में वो काम हो जाएगा जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी, वो काम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ना एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कार्य ये शुरू हो जाए, हो चुका है, और इसके हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, साल भर में, अगले साल तक जब आओगे तो कई दवाइयों का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हो चुका होगा। आजादी के 70 वर्षों के बाद आयुर्वेद में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, मैंने सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल तक का जो पूरा ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक अनुसंधान का अनुष्ठान पहली बार किसी गैर सरकारी क्षेत्र में शुरू किया, गवर्नमेंट ने तो किया ही नहीं था, इसलिए हिंदुस्तान में सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में कहीं पर यह कार्य नहीं हुआ था, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया। और आज मैं कह रहा हूँ कि हम थोड़े ही दिनों में पूरी दुनिया में आयुर्वेद को जो अभी फूड सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है उसको दवा का दर्जा दिलाएंगे, और UNO से लेकर के पूरी दुनिया में आयुर्वेद का झंडा फहराएंगे। ये कार्य होगा आयुर्वेद का। प्राकृतिक चिकित्सा को भी बहुत बड़े रूप में हम लेकर के चल रहे हैं। अब बात आती है स्वदेशी की। स्वदेशी के कार्य में अभी हमने बड़ी तैयारी की है,
अभी रॉ मेटेरियल से लेकर के सप्लाई चेन से लेकर के प्रोसेसिंग से लेकर के प्रोसेसिंग के लिए अपनी एक तो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट, दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क, एशिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा, और अब पांच और तेजपुर शुरू हो चुका है जहां करीब प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। नोएडा में भी ऐसे ही करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसी तरह से करीब 15,000 से 20,000 करोड़ के वैल्यू की प्रोडक्शन कैपेसिटी नागपुर में, और करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंदौर में, और इसी तरह से विजयनगरम वहाँ पर भी आदरणीय जो है चंद्रबाबू नायडू जी साहब ने जमीन दे दी है करीब 200 एकड़, वहाँ पर भी हमारा विचार होगा कि करीब 5,000 से 10,000 करोड़ के प्रोडक्शन की कैपेसिटी वहाँ। ये तो 5 तो बड़े प्लांट, इसके अलावा करीब 50 छोटे छोटे प्लांट, लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, और फिर टेक्सटाइल का इससे अलावा माने FMCG में करीब 1,00,000 करोड़, और टेक्सटाइल तो इतना बड़ा मार्केट है उसकी मैं सारी अभी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर बात करूंगा। ये सारा काम तैयारी कर चुके हैं, हमको कार्य किस आधार पर करना है, हमने कहा मार्केट साइज और उसमें पतंजलि की प्रोडक्शन कैपेसिटी और फिर हमें कितना उसमें मार्केट शेयर लेना है, तीन ही फिलॉसफी है, मार्केट साइज, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और फिर हमें बस बाजार पूरा है, आधार पूरा है, स्वीकार पूरा है पतंजलि का, बस उसको लोगों तक पहुंचाना है, और इस आधार पर कार्य करने के लिए हमारे कुछ CNDF जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे हमने 4 CNDF बंद कर चुके हैं, अभी जो SD अच्छा काम कर रहे हैं उनको कार्य देंगे, क्योंकि हमें CNDF की भी ज़रूरत है, SDO की भी ज़रूरत है, और क्योंकि आप जिस तरह से पहले कार्य कर रहे थे आपको थोड़ा और ज़्यादा गुणात्मक होना पड़ेगा, चिकित्सालयों की भी और ज़्यादा और मेगा स्टोर की भी और ज़्यादा, आरोग्य केंद्रों की तहसील लेवल तक और बड़े गाँवों में हर एक की अपनी भूमिका है और अपनी अपनी प्रामाणिकता से भूमिका निभाएंगे, और इसके साथ साथ इस विभाग को हम बोलते हैं अभ्युदय, धर्म की परिभाषा वैशेषिक दर्शन में हमारे ऋषियों ने की, यह तो अभ्युदय निश्चय स सिद्धि स धर्म है, जिससे अभ्युदय अर्थात भौतिक जीवन में समृद्धि, और निश्चय जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो वो धर्म है, केवल भौतिक उन्नति और केवल आत्मिक उन्नति ये धर्म नहीं हो सकता, वहां तो अधर्म होगा। अरे जहां भौतिक समृद्धि नहीं होगी वहां गरीबी होगी, गरीबी में कोई धर्म पैदा थोड़ी होता है, गरीबी में तो धर्म बदलता है, धर्म मिटता है, खत्म होता है, दरिद्रता में धर्म नहीं पनपता। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म का मूल, सुख का मूल धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल ही अर्थ है, धर्म जो है वो अर्थ की जमीन में पनपता है, अर्थ से आप अनर्थ भी कर सकते हो, अर्थ का आप स्वार्थ में भी प्रयोग कर सकते हो और अर्थ का आप परमार्थ में भी प्रयोग कर सकते हो, अर्थ से परमार्थ कैसे होता है इसका लाइव एग्जाम्पल पतंजलि योगपीठ है, और इस दिशा में मैं आपसे कह रहा था ये एक बड़ी एक प्रक्रिया है, और इसमें करोड़ों लोगों को हमने पतंजलि के इस संकल्प से जोड़ा। आज कॉलगेट 125 करोड़ लोगों का ब्रांड नहीं है, आज लाक्स डॉग, फेयर एंड लवली, सनसिल्क और जो है क्लिनिक प्लस, ये तमाम यूनिलीवर के जो अलग अलग ब्रांड हैं, नाम रख रखा है किसान, आदमी को सोचे ये शायद कोई हिंदुस्तान का ही कोई कार्यक्रम होगा, हिंदुस्तान का ही कोई ब्रांड होगा, नाम रख रखा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की तो रसोई बंद हो गई अभी, वो शायद ब्रांड ही बंद हो गया, अन्नपूर्णा, किसान, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि आदमी को लगे ये कुछ अपना ही होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम ऐसा रखा था, ये हिंदुस्तान की कोई कंपनी होगी, ये आज यूनिलीवर को हिंदुस्तान अपना नहीं मानता, पतंजलि को अपना मानता है, क्योंकि हमने जो है ये पूरे देश के सामने हमने घोषणा की है, और ये संकल्प है पतंजलि का कि पतंजलि का 1 रुपये का भी प्रॉफिट का प्रयोग स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण नहीं करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% एजुकेशन के लिए लगेगा, रिसर्च के लिए लगेगा, गोमाता की सेवा के लिए लगेगा, भारत माता की गरीबों की सेवा के लिए होगा,
और ये मकसद क्या? नहीं तो एक साधु एक फकीर होके करना किसके लिए था? हाँ, विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से देश को बचाना, राजनीतिक आजादी तो मिल गई हमको, ये आर्थिक आजादी, ये अब लोगों को समझ में आ रहा है? जब चारों तरफ से हम बात को समझाते हैं तो समझ में आता है। और लोगों को ये भी नहीं पता था ये किस तरह से लूट रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को ये नहीं पता होता कि किस चीज का कितना बड़ा व्यापार है। जैसे शायद पहली बार हिंदुस्तान में मैंने ये बात को रखा कि 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, पूरे एक एक कंपनी का पूरा टर्नओवर कि एग्रीकल्चर से लेकर के मॉनसेंटो से लेकर के फिर मोबाइल से लेकर के ऑटोमोबाइल से लेकर के और हमारे घरों के लगने वाले जो है ना, ये जो फर्श पर लगने वाले जो टाइल्स हैं वो भी अब किसका बोलूँ, कुछ कंपनियाँ देसी कहलाती हैं लेकिन लेके वहीं से आती हैं, टाइल से लेकर के ऊपर लगने वाले ये जो सब क्या बोलते हैं इसको, फॉल सीलिंग और लोहा लक्कड़, हमारे भगवानों के चित्र, हमारी पूजा सामग्री, किस किस में नहीं। बाकी साबुन शैंपू टूथपेस्ट आपके बाथरूम किचन रसोई से लेकर के आपके कपड़ों से लेकर के आपके बालों से लेकर आपके आंखों में लगने वाले काजल से लेकर के आपके चेहरे पर लगने वाले ये लिपस्टिक से लेकर के ये लैक्मे, ये विदेशी तो है, यूनिलीवर की है, ज्यादातर तो कच्चे बच्चे यूनिलीवर के ही है। अब मुझसे बोले बाबा जी अब ये कॉस्मेटिक कलर ये जो माताएं बहनें लगाती हैं चिकारा सिकारा जो भी है, और पहले फाउंडेशन लगाते हैं फिर उसके ऊपर कई तरह के कलर कॉस्मेटिक होते हैं, तो बोले बाबा जी ये कलर कॉस्मेटिक ये भी तो पतंजलि का आना चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़े दिन में ये भी आ जाएगा, चिंता मत करो। लैक्मे का भी जो है वो बुरा लगाने वाला है। तो अब बात मैं आपको ये बता रहा था कि ये पूरा जो अब मैं आपको देखो 8-10 चीज़ों के कुछ आंकड़े देता हूँ। टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो करीब 7 लाख करोड़ रुपए का है, 7 लाख करोड़ रुपए का, बताओ। अब इसमें हिंदुस्तानी ब्रांड आपको 2-4 हैं लेकिन प्रेस्टिजियस रूप में नहीं मिलेगा आपको। 7 लाख करोड़ की उनकी निगाहें इस पर हैं, और ये हमारे वाले अरे बाबा जी हो करके कपड़े क्यों लॉन्च कर रहे हो, अरे बाबा जी तो नंगा रह लेगा, तेरा बापू तेरे लिए बना रहा हूं, बाबा जी हो करके कपड़े लॉन्च क्यों कर रहे हो, अरे हम तो दिगंबर आदमी है तो लाज शर्म लाज के लिए थोड़े कपड़े पहन लेते हैं, को हमको थोड़ी चाहिए ये सब। लेकिन ये विदेशी कंपनियां चारों तरफ घुसी जा रही हैं, और तुम बस आलोचना करने से, तुमको फुर्सत नहीं निंदा करने से, इसलिए हमने ध्यान रखी। मैंने कहा चाहे कोई लाख गाली दे दे, जो हमने किया है और जो करेंगे हमारे जीते जी भी लोग याद करेंगे और जाने के बाद भी याद करेंगे, वो काम करके जा